प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने परिवार में मांगलिक प्रसंग होने पर भी अपने दायित्व और जिम्मेदारी को लेकर कितने सजग है इसकी वानगी इसी से देखी जा सकती है कि उनके बेटे कान्हा की शादी के मांगलिक कार्यक्रमों के बजाय वो जनहितकारी योजनाओं को लेकर बैठकें कर रहे हैं और जनसेवा को ही प्राथमिकता देकर अपनी सादगी और समर्पण दोनों की ही कहानी को बयां कर रहे हैं। देखिए एमपी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के घर में मांगलिक प्रसंग। मुख्यमंत्री परिवार को समय देने के बजाय प्रदेश के दौरे में है व्यस्त। बेटे की शादी के वक्त भी जनता को परिवार मानकर निभा रहे हैं अपना दायित्व। उज्जैन नीमच में बैठकें लेकर निभाया अपनी जिम्मेदारी का फर्ज। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बेटे कान्हा की शादी की तैयारियों के बीच जारी है सीएम की सक्रियता। प्रदेश के तेज तर्रार और सुपर एक्टिव सीएम मोहन यादव अपने परिवार को शादी में समय देने के बजाय इन दिनों प्रदेश की जनता की सेवा में निरंतर जुटे हुए नजर आ रहे हैं। उनकी सादगी और समर्पण का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो अपने घर के मांगलिक प्रसंग को प्राथमिकता देने के बजाय लोकसभा चुनावों की बैठकों और शासकीय बैठकों में जुटे हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि सीएम के बेटे कान्हा यादव की शादी के कार्यक्रम उज्जैन निवास पर चल रहे हैं, लेकिन सीएम डॉक्टर मोहन यादव खुद एमपी की 8.5 करोड़ जनता को ही परिवार मानकर सेवा के कामों में जुटे हुए हैं। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनावों को देखते हुए अपना एक एक मिनट सरकारी कामकाज और बैठकों को दे रहे हैं। इससे पहले ऐसा कम ही देखने को मिला है कि कोई बड़ा राजनेता अपने परिवार की शादी में पूरा वक्त न देकर जनता की सेवा में जुटा हो। मुख्यमंत्री मोहन यादव शपथ लेने की बात से ही बिना किसी छुट्टी के निरंतर सेवा के कामों को प्राथमिकता देते हुए नजर आ रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर लेते हुए छिंदवाड़ा से लेकर गुना ग्वालियर तक डॉक्टर मोहन यादव ने हर एक काम को एक साथ रखा और अपने बेटे की शादी को प्राथमिकता देने के बजाय वे 29 की 29 लोकसभा सीटों पर पार्टी को बड़ी और ऐतिहासिक जीत दिलाने के लक्ष्य में लगे हुए हैं। यही नहीं, लाडली बहनों के खातों में उनके अधिकार की राशि भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा अनुरूप 1 मार्च को ही भेजने के काम को प्राथमिकता दी जा रही है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री मोहन यादव का ये जन सेवक अंदाज अब उन्हें पार्टी में भी समर्पित राजनेता और जनता को ही परिवार मानने वाला सीएम बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, उज्जैन।